सब्सक्राइब करिए बियॉन्ड सो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट स्वागत करता हूँ एक इनोवेटिव वीडियो में। तो दोस्तों, हम लोग आजकल के इन्वेंशंस को देख के ही हैरान में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं, भाई कैसे दुनिया कितने आगे निकल गया है। पर दोस्तों, अगर आप ये इन्वेंशंस के बारे में जब जानोगे, आप खुद बोलोगे व्हाट ए गजब का इन्वेंशंस। पर उसके बाद आपको थोड़ा दुखी भी होगा, क्योंकि ये इन्वेंशन सिर्फ इतिहास में ही रह गया। और अगर ये इन्वेंशंस अगर सक्सेसफुल रहते तो इतना पक्का है कि ये दुनिया को बदल के रख देते। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट, दोस्तों वीडियो पूरा देखिए। तो चलिए लेट्स बिगिन। निकोला टेस्ला, ये नाम तो शायद आप लोगों ने सुना ही होगा। ट्रू इन्वेंटर ऑफ रेडियो, फ्लोरोसेंट लाइट, एंड ये वही आदमी है जिन्होंने दुनिया को इलेक्ट्रिक ग्रिड दिया। टेस्ला के इन्वेंशंस उनके ज़माने में काफ़ी ज़्यादा आगे थे। इट वॉज लाइक इम्पॉसिबल इन्वेंशंस। इनके इन्वेंशंस को अगर फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता तो ये दुनिया को बदल के रख सकते थे। तो चलिए हम बात करते हैं उन्हीं के कुछ लॉस्ट इन्वेंशंस के बारे में। तो पहले नंबर पे आता है वायरलेस एनर्जी ट्रांसमिशन। जैसे आज इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क वायरलेस है, वैसे ही निकोला टेस्ला ने एक आविष्कार किया था जिसमें पावर सप्लाई बिना किसी स्ट्रिंगिंग वायर के ज़रिए हो। उनके डिवाइस को उन्होंने टेस्ला कॉइल या वार्डनक्लिफ टावर का नाम दिया। बस परेशानी ये हुई कि टेस्ला उनके इस एक्सपेरिमेंट को बड़े पैमाने पर साबित करने में असफल रहे। उनके आइडिया के अनुसार भेजे जा रहे वायरलेस एनर्जी को मॉनिटर, ट्रैक या कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। ये सब देखने के बाद इन्वेस्टर्स ने इन्हें फंडिंग देने से इनकार कर दिया और ये इन्वेंशन अब इतिहास में ही रह गया। अब आते हैं निकोला टेस्ला के दूसरे लॉस्ट इन्वेंशन पे, जिसका नाम था डेथ रे, और इसे कुछ लोग पीस बीम के नाम से भी जानते थे। टेस्ला का पीस बीम एक ऐसा इन्वेंशन था जिसे कोई भी देश ये टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करना चाहेगा, क्योंकि डेथ बीम या पीस बीम 250 माइल्स में 10,000 एयरप्लेन्स को उड़ाने की ताकत रखता था। पर टेस्ला के इस आविष्कार में किसी भी इन्वेस्टर ने पैसा नहीं लगाया, क्योंकि उनको टेस्ला के इस आविष्कार पर भरोसा नहीं था, और ये सब के कारण ही ये आविष्कार भी इतिहास में रह गया। तो ये थे कुछ दो इन्वेंशंस निकोला टेस्ला के, जो शायद अगर रहता तो दुनिया को बदल देता। अब बात करते हैं तीसरे लॉस्ट इन्वेंशन की, तो वो है क्रोनोविजर। ये एक ऐसा डिवाइस है जो टाइम के पीछे जाके देख सकता है। कहा जाता है कि 1964 में फादर एर्निटी ने एक ऐसा मशीन इन्वेंट किया जो पास में देख और सुन सकता था। इस मशीन को टाइम ट्रैवलर मशीन भी कहा गया था। फादर एर्निटी के हिसाब से जब भी ल्यूमिनस एनर्जी एंड साउंड किसी भी वस्तु से निकलती थी, वो एटमॉस्फेयर में कैप्चर हो जाता था, एंड ये मशीन के ज़रिए हम इस एनर्जी को यूज़ करके पास में देख सकते थे। और फादर एर्निटी खुद क्लेम करते हैं कि उन्होंने पास में देखा है इस क्रोनोविजर के ज़रिए। पर इनके डेथ के बाद क्रोनोविजर, इस मशीन को डिसमेंटल कर दिया गया था। अब बात करते हैं फोर्थ इन्वेंशन की, जिसका नाम था राइफ मशीन। राइफ मशीन को रॉयल रेमंड राइफ, एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने इस मशीन का आविष्कार किया था। और इस साइंटिस्ट की माने तो किसी भी डिजीज़ या बीमारी को ऑडियो फ्रीक्वेंसी से ठीक किया जा सकता था। इन्होंने एक ऐसा ऑडियो फ्रीक्वेंसी डिवाइस बना लिया था जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता था, जैसे कि कैंसर। असल में ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी के ज़रिए अंदर डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया या सेल्स को मार सकते थे। राइफ ने इस मशीन को इस्तेमाल पहले जानवरों पे किया, और उसके बाद उन्होंने इस डिवाइस की मदद से 14 to 15 कैंसर पेशेंट्स को ठीक किया।
पर बाद में सभी लोग इस डिवाइस को ठुकरा दिए और राइफ कहते हैं कि ऐसा करने के लिए लोगों को पैसा दिया गया था। अब बात करते हैं फिफ्थ इन्वेंशन की, जिसका नाम है क्लाउड बस्टर। क्लाउड बस्टर एक ऐसा आविष्कार था जो दुनिया को बदल सकता था, क्योंकि इस इन्वेंशन के जरिए कभी भी कहीं भी बारिश किया जा सकता था। विल्हेम राइक, इस इंसान ने इस मशीन का आविष्कार किया था 1953 में। उन्होंने इस मशीन को आजमाया था और ये क्लाउड बस्टर काम कर गया। जब इस मशीन को क्लाउड के तरफ पोजीशन करके रखा जाता है तो क्लाउड में एर्गन एनर्जी फॉर्म होके क्लाउड एक जगह आ जाते हैं और बारिश होती है। इस एक्सपेरिमेंट के बाद विल्हेम राइक को जेल में डाल दिया गया था और इनके इस क्लाउड बस्टर को डिसमेंटल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे इन्वेंशंस थे जो शायद आज एग्जिस्ट करते तो आज दुनिया कुछ अलग ही रहता। तो आज के लिए बस इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ज़रूर इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करना ना भूलें बाय सिंपली सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और हाँ, आपको नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर चाहिए वो भी कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे लर्निंग।